हेलो गाइस, स्वागत है आपका द स्पोर्ट्स रिपब्लिक के द स्पोर्ट्स वीकली में, जहां पर हम बात करते हैं कि इंडियन स्पोर्ट्स में आखिर चल क्या रहा है, कौन से इंडियन एथलीट्स कहां जाकर टूर्नामेंट्स खेल रहे हैं, कौन मेडल्स ला रहा है, कौन निराश भी कर रहा है, स्पोर्ट्स बिजनेस में क्या चल रहा है इंडिया के। तो इन सब चीजों के बारे में हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में, तो पूरा वीडियो देखना जरूर। और फिर एक बार स्वागत करके मैं शुरुआत करता हूं आज के इस वीडियो के लिए। सबसे पहले रोइंग की करते हैं बात। पिछले संडे यानी 12 तारीख को एशियन रोइंग चैंपियनशिप खत्म हुई जो थाईलैंड में हो रही थी, और इस पूरे टूर्नामेंट में इंडिया की तरफ से 16 रोवर्स ने पार्टिसिपेट किया। 16 लोगों का ये कंटिंजेंट था और इन 16 लोगों ने हमें जिताए 6 मेडल्स, उसमें से थे 2 गोल्ड और 4 सिल्वर। कौन कौन से रोवर्स थे जिन्होंने हमको मेडल्स दिलाए उनके बारे में हम बात करेंगे। पहले जो 2 गोल्ड थे वो मेंस डबल स्कल्स पेयर से आए थे और लाइट वेट सिंगल स्कल्स से आए थे। अरुण लाल जाट और रवि ने जिताया था डबल्स में, और उनका टाइमिंग है 6.57.383 मिनट्स। और अरुण लाल ने हमको टोक्यो ओलंपिक्स में भी हेल्प किया था 11th फिनिश करने के लिए, इंडियाज बेस्ट परफॉर्मेंस सो फार। और लाइट वेट सिंगल स्कल्स में अरविंद सिंह ने गोल्ड जीता विद 7.55.942 मिनट्स के साथ। और जो 4 सिल्वर है उनमें से सिंगल स्कल्स में परविंदर सिंह ने जीता सिल्वर विद 8.07.323 का टाइमिंग। लाइट वेट डबल स्कल्स में आशीष फुगत और सुखजिंदर सिंह ने जीता विद 7.12.568 का टाइमिंग के साथ। मेंस क्वाड्रिपल स्कल्स में बिट्टू सिंह, मंजीत कुमार, जकर खान, सुखमीत सिंह ने जीता सिल्वर विद 6.33.083 के टाइमिंग के साथ। और मेंस फोर में जसवीर सिंह, पुनीत कुमार, गुरमीत सिंह, चरणजीत सिंह ने जीता सिल्वर विद 6.51.661 के टाइमिंग के साथ। ये थे हमारे एशियन रोइंग चैंपियनशिप के चैंपियंस। और इनके अलावा कॉमनवेल्थ सीनियर चैंपियनशिप चल रही है ताशकंत में उज्बेकिस्तान में 7 December to 17 December। और वेट लिफ्टिंग में हमने ऑलरेडी 9 मेडल जीत चुके हैं, 5 गोल्ड और 4 सिल्वर। कौन से वो लिफ्टर्स हैं उनके बारे में हम जान लेते हैं। संकेत महादेव मेंस 55 kg कैटेगरी गोल्ड इन स्नैच, 113 किलो का वजन उठाया और एक नया स्नैच नेशनल रिकॉर्ड भी बनाया। जीली दाला बेहरा वुमेन्स 49 kg कैटेगरी, 3 मेडल इन्होंने जीते, 1 गोल्ड जीता स्नैच में और 2 सिल्वर जीते, 1 क्लीन एंड जर्क में और 1 टोटल में। टोटल वेट इन्होंने उठाया 167 किलोग्राम का, 73 kg स्नैच, 94 kg क्लीन एंड जर्क। जेरेमी लाल रिनुंगा मेन्स 67 kg कैटेगरी, टोटल वेट 305 kg, 141 स्नैच, 164 kg क्लीन एंड जर्क, गोल्ड इन टोटल वेट। लेकिन अपना पर्सनल बेस्ट जो 306 kg का था वो आज बीट नहीं कर पाए। गुरुराजा पुजारी मेन 61 kg कैटेगरी सिल्वर जीता टोटल वेट में और 265 किलो का वजन उन्होंने उठाया। अजिंता ने एक नया नेशनल रिकॉर्ड भी बनाया आफ्टर ब्रेकिंग हिज ओन रिकॉर्ड्स ऑफ 141 kg इन स्नैच, 172 kg इन क्लीन एंड जर्क, 313 kg इन टोटल। सो उन्होंने अपना ही रिकॉर्ड जो है वो तोड़ दिया। अजय सिंह मेंस 81 किलोग्राम कैटेगरी में गोल्ड जीता, टोटल वेट उन्होंने उठाया 322 किलोग्राम का, 147 इन स्नैच, 175 इन क्लीन एंड जर्क। उनके बाद पॉपी हजारिका वुमेन्स 59 किलोग्राम वेट कैटेगरी में जीता सिल्वर, टोटल वेट 189 किलोग्राम और उनमें से 84 किलोग्राम स्नैच और 105 क्लीन एंड जर्क। तो ये थे हमारे कॉमनवेल्थ सीनियर चैंपियनशिप के 9 मेडल। लेकिन इनके अलावा अभी भी 3 दिन बचे, तो और मेडल टैली बढ़नी चाहिए इसकी पूरी आशा है। और जो मैंने वेट लिफ्टर्स इसके पहले मेंशन किए थे उनमें से अजय, जेरेमी और अचिंता को सीधा एंट्री मिल चुकी है कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 जो बर्मिंगम में होने वाला है। सो कॉन्ग्रेचुलेशन टू देम। तो चलो आगे बढ़ते और अगले स्पोर्ट्स की तरफ जाते हैं, विच इज टेबल टेनिस। और इंडियन एथलीट्स बिल्कुल मचा रहे टेबल टेनिस में। मनिका बत्रा, अर्चना कामत ब्रेक्स इनटू द टॉप 10 वुमेन्स डबल्स कैटेगरी रैंकिंग। मनिका अलॉन्ग विद निक्स डबल्स पार्टनर सत्यन ऑल्सो क्लाइम्ड अप 11 स्पॉट्स टू अटेन वर्ल्ड नंबर 15। वर्ल्ड नंबर 15 पे है यह मिक्स डबल्स पेयर। और जब तुम्हारे सीनियर्स अच्छे करते हैं तो तुम्हारे जूनियर्स को भी अच्छा मोटिवेशन मिलता है, एंड दैट इज व्हाट इज हैपनिंग इन टेबल टेनिस एज वेल। ITTF वर्ल्ड यूथ चैंपियनशिप जो पोर्चुगल में हो रही थी वहां पर इंडिया ने जीते 4 मेडल। देखते हैं कौन से वो मेडलिस्ट है। अंडर 19 मेन सिंगल्स पयास जैन ने जीता ब्रॉन्ज, अंडर 15 वुमन सिंगल्स सुहाना सैनी ने जीता ब्रॉन्ज, अंडर 15 वुमन्स डबल्स सुहाना ने जीता फिर एक बार ब्रॉन्ज वेरोनिका के साथ, अंडर 15 वुमन्स टीम ने जीता ब्रॉन्ज काश्वी गुप्ता, साइली वानी, प्रीता और सुहाना सैनी फिर एक बार थी इस टीम का हिस्सा। तो सुहाना सैनी का हैट्रिक यहां पर हमको नजर आ रहा है। सो कांग्रेचुलेशंस सुहाना, कांग्रेचुलेशंस ईच वन ऑफ यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।
तो चलो टेबल टेनिस के बाद फॉर्मूला 2 के बारे में बात करते हैं। यस फॉर्मूला 2, फॉर्मूला 1 नहीं, पता है मैक्स जीत चुका है, एज अ लुइस फैन आई एम नॉट रियली हैप्पी एज वेल, बट लेट्स कम बैक टू फॉर्मूला 2। जी हां, दारूवाला ने इस सीजन का अपना दूसरा स्प्रिंट रेस जीता और इस साल को खत्म किया 7th पोजीशन पर। वेल, उम्मीदें इससे ज्यादा थी, लेकिन फिर भी 12th पोजीशन पे खत्म किया था पिछला वाला साल और इस बार 7th, तो यस इम्प्रूवमेंट तो है, लेकिन वी विल एक्सपेक्ट मोर और ऐसा चाहेंगे कि F1 में क्वालिफाई कर ले लाइक नारायण कार्तिकेयन एंड करण चंदोकर। तो चलो आते हैं हमारे आज के आखिरी स्पोर्ट्स की तरफ, विच इज हॉकी, जो हमारा काफी फेवरेट है। एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी हो रही थी पिछले हफ्ते, जिनमें इंडियन वुमेन्स ने पार्टिसिपेट तो किया था, लेकिन कोविड केसेस पाने की वजह से उनको विड्रॉ करना पड़ा, सिर्फ एक मैच खेले। ये टूर्नामेंट जीता जरूर जापान ने, लेकिन गुरजीत कौर बने इस पूरे टूर्नामेंट के हाईएस्ट गोल स्कोरर, जिन्होंने 5 गोल मारे थे अपने पहले ही मैच में और उनके बाद तो खैर मैच ही नहीं हुए। तो ये तो ही इंडिया की खेल से जुड़ी खबरें, लेकिन इनके अलावा कुछ और न्यूज़ है, कुछ स्पोर्टिंग बिजनेस के साइड से न्यूज़ है, उनके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। इंडिया के ओलंपिक स्टार गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा और ब्रॉन्ज मेडलिस्ट पीवी सिंधु डिज्नी के बायजू के ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर दिखेंगे। ये कॉन्ट्रैक्ट अगले 2 सालों के लिए है। वेल, कोई अमाउंट डिस्क्लोज नहीं हुई है, लेकिन यस 2 साल के लिए बायजू के ब्रांड एम्बेसडर अभी पीवी सिंधु और नीरज चोपड़ा रहेंगे। उनके बाद रवि शास्त्री, जिन्होंने अभी अभी अपना इंडियन कोचिंग टेन्योर खत्म किया है, अभी अभी उन्होंने कोचिंग से मतलब अलविदा लिया है, तो अब वो अपना काम शुरू करेंगे भाई। स्पोर्टिंग मार्केटिंग एजेंसी उन्होंने चालू किया है जिसका नाम है स्पोर्टिंग बियॉन्ड। उसके बाद प्राइम वॉलीबॉल लीग, जो काफ़ी चर्चा में थी रिसेंटली, स्पेशली फॉर द रिफ्ट बिटवीन फेडरेशन एंड बेसलाइन, लेकिन अब प्राइम वॉलीबॉल लीग सिर्फ प्राइम वॉलीबॉल लीग नहीं होगी, वो होगी रूपे प्राइम वॉलीबॉल लीग। यस, दे गॉट द टाइटल स्पॉन्सर इन रूपे, जो इंडिया की पहली ग्लोबल कार्ड पेमेंट नेटवर्क कंपनी है। तो यार इट्स गुड ना, इंडिया सपोर्टिंग इंडिया। तो ये थी हमारी स्पोर्ट्स की खबरें, कुछ बिजनेस की खबरें, लेकिन आई नो तुम लोग सोच रहे होंगे कि इंडियन स्पोर्ट्स में पिछले हफ्ते एक बड़ा कांड हुआ है जिसके बारे में बात नहीं हुई। यस, द होल विराट कोहली एंड द कैप्टनसी सागा, लेकिन द स्पोर्ट्स रिपब्लिक आगे होता है, मतलब सबसे आगे, सबसे तेज। दैट्स नॉट आवर टैगलाइन, बट एनीवे, या द स्पोर्ट्स रिपब्लिक ने ऑलरेडी उसके ऊपर एक वीडियो बना रखा है, तो उसकी लिंक यहाँ पर ऊपर भी है और डिस्क्रिप्शन में भी है, सो यू कैन वॉच इट एंड लेट अस नो कि आपका क्या कहना है उस इशू के ऊपर। लेकिन उसके अलावा ये जो बाकी खबरें थे, लेट अस नो कि आपको उन सब के बारे में क्या लगता है। कुछ और चीज़ें अगर हमारे साइड से मिस हो गई हो तो प्लीज लेट अस नो, हम उनको अगले वक्त जरूर कवर करेंगे। सो या थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, आई होप यू गाइज हैव लाइक दिस वीडियो, और अगर आपको पसंद आए तो हिट द लाइक बटन और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, और क्योंकि आप जितना सब्सक्राइब करेंगे हम ज़्यादा न्यूज़ लाते जाएंगे और मतलब इंडियन स्पोर्ट्स को आप और मैं मिलकर आगे बढ़ाते हैं। थैंक यू सो मच।